सो अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में मैं बुक की सीक्वेंस ही आपको लेके चलूंगी। उसने कहा कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है इसमें हमारे पास पैथोजेनेसिस में कोई जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी होती है, यानी कि पेशेंट या इंडिविजुअल जो है वो जेनेटिकली डिजीज के लिए प्रोन होता है, उनकी फैमिलीज में ये डिजीज रन कर रहा होता है, ठीक है, जेनेटिकली कोई इशू आ रहा है, या फिर हमारे पास इसके कुछ एनवायरमेंटल कॉजेज भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर इस डिजीज को ट्रिगर करते हैं। अब कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर इसको ट्रिगर करते हैं वो तो अननोन है, वो तो हमें पता ही नहीं है। जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी का भी ओनली अ सिंगल पोर्शन जो है वो ओनली अ पोर्शन जो है वो इसका भी नोन है, लेकिन वो भी इतना क्लियर नहीं है। तो पैथोजेनेसिस की एक बात तो ये हो गई कि जेनेटिक फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल भी है, एनवायरमेंटल तो पता ही नहीं है और जेनेटिक का भी सिर्फ हमें कुछ पोर्शन पता है, ठीक है। अब जो हमें जेनेटिक का कुछ पोर्शन पता है पैथोजेनेसिस में, उसमें हमने एक बात ये याद रखनी है कि जो हमारे पास मेजर हिस्टोकंपैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है, MHC होता है, ठीक है, कहते हैं MHC की कोई एसोसिएशन जरूर है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ, इसके अंदर कोई म्यूटेशन होगी। अब किस तरह से वो हमें नहीं पता, लेकिन हम याद रखना है MHC में से भी आगे जो HLA-DRB1 एलील है, ठीक है, उसके अंदर कोई म्यूटेशन होती है और वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे नंबर पे वो कहता है अदर जीन जो कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएटेड हो सकती हैं, उन जीन्स के अंदर ज्यादातर हमारे पास वो हैं जो कि इनकोड करती हैं इंटरल्यूकिन 2 के रिसेप्टर के लिए, इंटरल्यूकिन 17 के रिसेप्टर के लिए, या फिर अदर जीन जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के रिसेप्टर को कोड करती हैं, इन्वॉल्व होती हैं। अगर इन जीन्स के अंदर जो कि इम्यून रिस्पॉन्स के लिए कोड कर रही हैं, इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन होगी, ठीक है, तो जाहिर है हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर करेगा, ठीक है, जब ट्रिगर करेगा तो ऑटो इम्यूनिटी डेवेलप होगी और यही ऑटो इम्यूनिटी तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बेस है। कुछ बात समझ आ रही है। वो कहता है कि हमारे पास ऐसे जीन्स जो कि इनकोड करती हैं इंटरल्यूकिन 2 और इंटरल्यूकिन 7 के रिसेप्टर्स के लिए, या कुछ अदर जीन्स भी जो कि इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व प्रोटीन्स के लिए इनकोड करती हैं, अगर उनमें म्यूटेशन होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होगा और ऑटो इम्यूनिटी डेवेलप होकर माइलिन डिग्रेडेशन स्टार्ट हो सकती है। ये दो जो हैं वो अभी तक हमारे पास प्रेजेंट हाइपोथेसिस हैं, ठीक है। अवेलेबल एविडेंस जो है, सॉरी यार मेरी आवाज से कुछ प्रॉब्लम होगा आप लोगों को, अच्छा, अवेलेबल इंसिडेंस यही है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का डिजीज है वो इनिशिएट ऐसे होता है कि माइलिन के एंटीजन के अगेंस्ट, क्या होता है, माइलिन के एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिवेट हो जाते हैं टाइप 1 हेल्पर सेल और साथ ही साथ टाइप 17 हेल्पर सेल्स। कौन एक्टिवेट होता है? टाइप 1 हेल्पर सेल और टाइप 17 हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होते हैं। ये जो 1 है ये वहां पे सिक्रीट करेगा इंटरफ्यूरॉन गैमा और इंटरफ्यूरॉन गैमा आगे से फर्दर वहां पे रिक्रूट करेगा मैक्रोफेजिस को बुलाएगा। इसी तरह इंटरल्यूकिन 17 जो है वो साइटोकाइन रिलीज करेगा और वो साइटोकाइन वहां पे रिक्रूट करना शुरू कर देंगे लिम्फोसाइट्स वगैरह को। बात समझ आ रही है? माइलिन के एंटीजन के अगेंस्ट इम्यूनिटी ने रिएक्ट किया, टी सेल्स एक्टिवेट हुए, टाइप 1 हेल्पर सेल ने इंटरफ्यूरॉन गैमा और मैक्रोफेज की रिक्रूटमेंट स्टार्ट करा दी, जबकि टाइप 17 ने भी साइटोकाइन्स के थ्रू वहां पे डिफरेंट तरह के लिम्फोसाइट की रिक्रूटमेंट स्टार्ट करा दी। अब उस रीजन में जहां पे बहुत सारे हमारे पास लिम्फोसाइट्स आए हुए होंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे तो ये क्रॉस रिएक्ट करेंगे माइलिन की एंटीजन के साथ और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जब माइलिन की डैमेज होगा तो डीमाइलिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी तक अवेलेबल एविडेंस है मल्टीपल स्क्लेरोसिस की पैथोजेनेसिस का, मेजर पोर्शन हमें नहीं पता, ठीक है। जब माइलिन डैमेज होगा तो यहां पे हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएंगे? प्लैक्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये जो प्लैक्स हैं इनके अंदर कहते हैं अगर हम इनफिल्ट्रेट्स देखेंगे तो ज्यादातर आपको क्या मिलेंगे? CD4 टी सेल्स भी मिलेंगे और CD8 टी सेल्स भी मिलेंगे। प्लैक के अंदर आपको बी सेल्स और एंटीबॉडीज भी मिलती हैं, लेकिन उनका मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या मेन काम है हमें अभी तक ये बात नहीं पता, अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है। इतनी सी पैथोजेनेसिस जो है वो बुक में डिस्कस हुई हुई है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में आपने क्लियर कट बस ये बात याद रखनी है, मॉर्फोलॉजी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ग्रॉस भी देखेंगे और फिर माइक्रोस्कोपिकली भी देखेंगे। ग्रॉसली अगर हम देखें तो कहता है ये वाइट मैटर का मल्टीफोकल डिजीज है, इसमें आपको मल्टीपल वेल सर्कमस्क्राइब प्लैक्स मिलेंगे, ठीक है, वेल सर्कमस्क्राइब मल्टीपल प्लैक्स मिलेंगे। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात यह है
कि ये जो वेल सर्कम्सक्राइब प्लैक्स हैं ये कहाँ पे होते हैं, कौन से रीजन्स में होते हैं. सो ये नियर वेंट्रिकल्स आपको मिलते हैं, ऑप्टिक नर्व के आसपास हो सकते हैं, ऑप्टिक क्यास्मा के आसपास होते हैं, ब्रेन स्टेम में हो सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक सेरिबेलम या स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं. सो असेंडिंग ट्रैक में, डिसेंडिंग ट्रैक में, स्पाइनल कॉर्ड में या सेरिबेलम में ये प्रेजेंट प्लैक्स हो सकते हैं. ठीक है, अब ये जो प्लैक्स हैं ये आगे से होते हैं दो तरह के. सो हमने क्या कहा, अच्छा तो मॉर्फोलॉजिकली मैं आपको क्या बता रही थी कि आपने याद रखना है ग्रॉसली आपको क्या मिलते हैं, प्लैक्स मिलते हैं, लोकेशन की हमने बात कर ली. अब इस प्लैक्स की दो तरह की टाइप्स होती हैं. ठीक है, टाइप्स हमें हम ये कहते हैं कि ये जो प्लैक हैं ये एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी होते हैं. ठीक है, क्या डिफरेंस एक्टिव और इनएक्टिव में, तो आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एक्टिव वाला होता है प्लैक, इसके अंदर अबंडेंट मैक्रोफेजेस जो है वो प्रेजेंट होंगी. ठीक है, क्या होंगी, अबंडेंट मैक्रोफेजेस वहां पे प्रेजेंट होंगी और इन मैक्रोफेजेस के अंदर बहुत ज्यादा माइलिन भी प्रेजेंट हो रहा होगा. साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो माइलिन का ब्रेकडाउन है वो चल रहा होता है. ठीक है, माइलिन जो है वो एक्टिवली यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा होता है. और देन अगर हम सेल्स की बात करेंगे इन्फिल्ट्रेटरी सेल्स की, तो लिम्फोसाइट्स जो है वो भी प्रेजेंट होंगे. उसके बाद जो एक्टिव लीजन्स है वो ज्यादातर सेंटर्ड हुई हुई होती है स्मॉल वेन्स के ऊपर. और अगर हम एक्सोन की बात करेंगे तो एक्सोन काफी ज्यादा नंबर में रिड्यूस हो चुके होते हैं लेकिन प्रिजर्व होते हैं. ठीक है, अब अगर हम बात करें इनएक्टिव प्लैक्स की, तो इनएक्टिव प्लैक्स के अंदर कहता है कि ये जो सारा इम्यूनिटी का रिएक्शन है खत्म हो चुका होता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो डिसअपियर हो चुकी है, बिल्कुल जो है वो साइलेंट सा क्विसेंट सा एरिया होगा, कोई लिटिल या नो माइलिन प्रेजेंट होगी. जबकि यहां पे मैक्रोफेजेस में भी माइलिन हो रही होती है और ब्रेकडाउन भी हो रहा होता है लेकिन यहां पे लिटल या नो माइलिन होगी. देन अगर हम बात करें सेल्स की, तो यहाँ पे लिम्फोसाइट्स होते हैं लेकिन यहाँ पे आपके पास एस्ट्रोसाइटिक प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो चुकी होती है और एक्सोन्स वगैरह की उसने बात नहीं की, ग्लायोसिस हो चुकी होगी. ग्लायोसिस का मतलब है सीएनएस के अंदर स्कारिंग के प्रोसेस को ग्लायोसिस कहते हैं. ठीक है, अब मॉर्फोलॉजिकली एक और तरह से भी हम लोग जो है वो इस पिक्चर को क्लासिफाई करते हैं. शायद रॉबिन्स में इसका जिक्र नहीं है लेकिन मेरे टीचर ने हमें कराया था कि मॉर्फोलॉजिकली हम कहते हैं ये हमारे पास तीन चार तरह का हो सकता है, टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर, जो इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर होती है. टाइप वन में हम लोग कहते हैं कि सिर्फ आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होती है. ठीक है, टाइप वन में सिर्फ वहां पर क्या मिलती है, अभी मैक्रोफेज की रिक्रूटमेंट होती है. टाइप टू के अंदर मैक्रोफेजेस भी होती हैं और कुछ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस भी बन चुके होंगे जो के माइलिन को डैमेज करेंगे. ठीक है, थर्ड स्टेज पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लेस डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और माइलिन जिससे बनता है ओलिगोडेंड्रोसाइट से उनकी एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सो लेस डिफाइंड बॉर्डर्स होते हैं और एपोप्टोसिस जो है वो होना शुरू हो जाती है किसकी, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की. और फोर के अंदर नॉन एपोप्टोटिक लॉस होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट का, यानी ओलिगोडेंड्रोसाइट लॉस होना शुरू हो गए हैं लेकिन वो बॉडी के एपोप्टोसिस की वजह से नहीं हो रहा, वो किसी और रीजंस की वजह से वाइड रेंज ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट का ब्रेक डाउन हो रहा है और डीमाइलिनेशन हो रही है. ठीक है, सो यहां तक आई होप कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस अच्छे से समझ आ गया है. ये एक डीमाइलिनेटिंग ऑटोइम्यून डिजीज है, रिलैप्सिंग रिलेटिंग होता है. इसमें डाइजिमिनेटिक स्क्लेरोटिक प्लैक बनते हैं. फिर हमने टियोलॉजी की बात की, पैथोजेनेसिस में हमने कहा जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं. जेनेटिक में भी हमने कहा या तो HLA की एसोसिएशन है और उन जीन की जो कि इंटरल्यूकिन टू इंटरल्यूकिन 17 वगैरह के लिए कोड करते हैं. देन हमने पैथो में पढ़ा कि टाइप 1 हेल्पर सेल और टाइप 17 हेल्पर सेल ड्यू टू द सिक्रीशन ऑफ साइटोकाइन वहां पे लिम्फोसाइट्स को और मैक्रोफेजेस को रिक्रूट करेंगे जो कि माइलिन के डैमेज या डीमाइलिनेशन स्टार्ट कराएंगे. ठीक है, फिर हमने मॉर्फोलॉजी के अंदर बात की कि प्लैक्स ही बने हुए होते हैं और वो प्लैक जो है वो एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी, इसमें रिएक्शन चल रहा होता है और इसमें सारा कुछ खत्म हो चुका होगा. और हिस्टोलॉजी के लिए हमने इसकी ग्रेडिंग कर दी है 1, 2, 3 और 4 टाइप्स में. ठीक है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन भी आप देख चुके थे. अब फाइनल चीज हमारे पास आ जाती है डायग्नोसिस. ठीक है, सो डायग्नोसिस में हमने क्या करना है, इंपॉर्टेंट होती है उसकी हिस्ट्री. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसकी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी होगी जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा रीजन इन्वॉल्व है. ठीक है, अगर उसका सेंसरी लॉस है इसका मतलब है कि हमारे पास जो असेंडिंग ट्रैक्स हैं वो डैमेज है, मोटर लॉस है तो डिसेंडिंग ट्रैक डैमेज है. अगर उसका बैलेंस का प्रॉब्लम है इसका मतलब है सेरिबेलम इन्वॉल्व है. ठीक है, तो हमें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है. उसके बाद हम इसकी ब्लड सीपी जब करेंगे तो ब्लड सीपी के अंदर हमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा. ठीक है, क्या मिलेगा, लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा. उसके अलावा हम कॉम्प्लीमेंट लेवल भी चेक करते हैं इलाइजा के थ्रू. ठीक है, इलाइजा के थ्रू हम कॉम्प्लीमेंट लेवल चेक करते हैं और वो डिक्रीज हुए हुए होते हैं. उसके बाद हम लोग CSF की एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं. CSF की एग्जामिनेशन पे आपको प्रोटीन के लेवल ज्यादा मिलेंगे. ठीक है, प्रोटीन का जो प्रोटीन है वो ज्यादा होंगे, IgG प्रोड्यूस हो रहा होगा क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है और इसी की वजह से हमें ओलिगोक्लोनल बैंड्स जो है वो अपीयर होते हैं और ये आपने MCQ के लिहाज से याद रखना है. और उसके अलावा हमें मॉडरेट जो है वो प्लियोसाइटोसिस भी मिल सकती है. हम MRI भी पेशेंट की कर सकते हैं.
उसके बाद वो कहता है कि अगर हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है, ब्रेन में लीजन्स हो सकती हैं और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हो सकती है, वो इसके कंसिक्वेंसेज हैं. ट्रीटमेंट जो है वो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास अभी न्यू अप्रोच आ रही है, एंटीबॉडी ड्रग्स आती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, इम्यून को सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है, सो इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए जो ड्रग्स हैं वो हमें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है. ठीक है, आप डिफरेंट ट्रीटमेंट से आप इसको ट्रीट तो नहीं कर सकते, उसकी प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो और जो रिलिपसिंग और रिलैप्सिंग का चांस है उसको कम कर सकते हो. ठीक है, सो यहाँ तक हमने मल्टीपल स्क्लेरोसिस पढ़ा. अगर हम बुक के अंदर देखें माइलिन के डिजीजेज में, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस है जो मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया. कुछ अदर के अंदर वो कहता है वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हो, तो वो भी प्रोग्रेस कर सकते हैं माइलिन की तरफ. और ल्यूकोडिस्ट्रॉफी है जिसमें हमने कहा कि उसकी जो सिंथेसिस है या जो उसका टर्नओवर है वो एबनॉर्मल हो जाता है म्यूटेशंस वगैरह की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेटाबॉलिक डिजीजेज. इनको पढ़ने की जो बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, अगर रीड कर भी लोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी कि हमारे पास कुछ जो है वो कंजेनिटल होते हैं और कुछ एक्वायर्ड होते हैं. जैसे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी रह गई या B12 डेफिशिएंसी है या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि हाइपो हाइपरग्लाइसीमिया या हेपेटिक इशू चल रहा हो. ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हमने बात करनी है न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीजेज की, और इसमें से भी अब मैं ठीक होंगी तो फिर वीडियो बनाऊंगी. खैर, इसमें से जो है वो अल्जाइमर और पार्किंसन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. फिर हम बात करेंगे ट्यूमर्स की और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा.